इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भक्ति का पथ बड़ा अनोखा है और भक्तों का स्वभाव उससे भी अनोखा है। भगत भगवान से क्या चाह दे ये भगवान को भी पता नहीं चलता। मनु जी ने क्या चाहा? नाथ देख पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काज हमारे। एक लालसा, क्या चाहूं तुम ही समान सुत। आपसे क्या छिपा है? किसी ने प्रश्न किया एक महापुरुष थे उनसे कि भगवान की इतनी कथा सुनो, इतना भजन करो, माला जपो, तीर्थ करो, धर्म करो, भगवान दर्शन क्यों नहीं देते? श्री महाराज जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। क्या बोले? कुछ तो मेरे कारण, कुछ तेरे कारण। कहे महाराज जी, हम तो 30 साल से कथा सुन रहे हैं, आप 40 साल से कथा गा रहे हैं, तो मेरे तेरे कारण क्या है? बोले, भगवान को भक्तों पर भरोसा नहीं होता। क्या अर्थ हुआ? बोले, भगवान ये भरोसे में नहीं रहते हैं कि यदि हम दर्शन दे दें तो भगत क्या मांग बैठे। इस घबराहट के मारे सरकार दर्शन देते ही नहीं है। नहीं, हमको तो दर्शन दे दे, हम कुछ नहीं मांगे। बोले, अभी न कह रहे हो? आप बताओ, आप में से कोई बता दे कि दरबार में आते हो और कुछ नहीं मांगते हो? सोचो। अरे भैया, भजन पूजन करके मांगते हैं वो तो ठीक, जो नहीं करते हैं वे भी ये कहते हैं, भगवान से लोग ऐसे नहीं मांगते। हे भगवान, आप ऐसा करेंगे तो हम वैसा करेंगे। पूजा हम तब करेंगे आपकी विशेष जब हमारा काम बन जाएगा। व्यापार भी लेन देन का होता है, नहीं यहां तो पहले देव फिर बाद में हम करेंगे। अच्छा, नहीं करोगे तब वहां कोई नुकसान है क्या? यहां नहीं होगा, वहां हो रहा है, वहां नहीं तो वहां हो रहा है, कहीं नहीं तीर्थों में तो हो ही रहा। भगवान इस पर भी प्रसन्न है, चलो कुछ ले दे के करता तो है, भगवान को बुरा नहीं लगता। लेकिन आप देखिए भगत जी, केवट जी की क्या स्थिति है। भक्तराज केवट भगवान से कहते हैं, प्रभु पांव धोऊंगा, पद कमल धोनी शर्त निष्ठा, पद कमल धोई चढ़ाई नाम उतराई नहीं चाहिए। सौगंध ले लेता हूं, हमको कुछ नहीं चाहिए, आपकी भी, श्री महाराज जी की भी। लक्ष्मण जी मार भी देंगे जब तक पांव न धोऊंगा, पार उतारने वाला नहीं। केवट जी की ये चर्चा सुनकर, ये बातें सुनकर, सुन केवट के बहन भगवान प्रेम लपेटे, भगवान केवट जी के प्रेम में लपटाए गए। क्या सुनकर?
ये अटपटी बातें सुनकर देखिए, भगत की बात होती ही अटपटी है। भगत बहुत वैयाकरणी नहीं बोलता है, बहुत साहित्यिक बातचीत नहीं करता है। आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, भगत अपनी बातों को बनाता नहीं है, क्योंकि उसको दाएं बाएं कुछ आता नहीं है, सीधा काम है। हाँ, एक छोटा बच्चा ब्रेड खा रहा था, ब्रेड आती है ना, क्या पाव भाजी गोल वाली। उसकी माँ ने पूछा कि ठाकुर जी को खिलाए, बोला इधर से मैं खानी, इधर से तू खा लू। तो माँ ने कहा कि बेटा भगवान को जूठा नहीं खिलाते। छोटे बच्चे ने कितनी मधुर बात कही हो, कहा माँ इनका जूठा तो मैं रोज खाता हूँ, एक दिन ये मेरा खा ले। बात कर, भगत को बनाना नहीं आता। देखना हमारे यहाँ जो धाम में सख्य परंपरा है भगवान भक्ति की, तो सख्य परंपरा में भगवान के जो भी कुछ होता है वो भगत जी पहले टेस्ट करते हैं कटोरियों में निकाल के, नमक तो नहीं कम है, नमक तो नहीं बढ़ गया, शक्कर कम तो नहीं है, वो बिल्कुल सुस्त पुष्ट व्यवहार व्यवस्था है। भगवान अपने भगत की ऐसे रस माधुरी व्यवहार से बड़े गदगद रहते। भगवान को बनाना नहीं आता, भगवान बहुत नाटकी व्यवहार पसंद नहीं करते, भगवान को सीधा साधा व्यवहार अच्छा लगता है। केवट जी का व्यवहार सीधा साधा है, उसी में प्रेम लपेटे तब भी से करुणा चित माँ और लक्ष्मण जी को देखकर भगवान बिहसे हंसे सरकार। देखो भगवान हंसते कब हैं, जब भगत के व्यवहार से प्रभु प्रसन्न होते। हमको भी ऐसा कुछ करना कि भगवान हमसे प्रसन्न हो। आप किससे प्रसन्न रहते हैं, जो आपकी हर बात माने, ठीक है। किससे प्रसन्न होंगे, जो आपकी हर बात माने उससे आप प्रसन्न हो जाते हैं, जो आपके मन को पढ़कर रक्षा करे उस भाव की उससे आप प्रसन्न हो जाते हैं। भगत वही है जो भगवान को प्रसन्न रखे साथ। भगवान ने हमको सब कुछ दिया, जो भगवान की करुणा को पाकर संतुष्ट रहता है भगवान उसे सर्वकाल प्रसन्न रहे। भगवत कृपा से संतुष्ट होने का अभ्यास हो। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। प्रसन्न रही है जो भी है उससे प्रसन्न रहेंगे, भगवान आपको देख देख कर प्रसन्न है। वाह अद्भुत, 24 घंटा केवल भगवान से कुछ चाहने वाले से भगवान प्रसन्न नहीं रहे। आज ये दे दो, कल वो दे दो, इस कॉलोनी में घर हो गया पूरब वाली में दे दो, पूरब वाली में हो गया। कल कोई माँ कह रही थी कोई आश्रम बना रहा, अरे हमने कहा क्या आश्रम पाश्रम क्या बनना बन गया। देखो 40-50 तक जो बनाना बिगाड़ना है बिगाड़ लो, उसके बाद तो भजले
सीता राम तोते ने उड़ जाना। 50 के बाद कुछ नहीं बनाओ बिगाड़ो, केवल जन्म बनाओ। जन्म बने कितना महाराज? मुझे कोई बता रहा था कि कुछ दिन पहले यहाँ पर तो भजनानंदी व्यवस्था थी। ये ऐश्वर्य तो सदगुरुओं की कृपा है और महाराज का तप है, तभी सब खड़ा हुआ। मेरी प्रार्थना है बनाओ, अब बना लो। दशरथ जी किला बिगड़ी बना दमर सकरी हो दशरथ जी किला। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।